गरीबों का ये सपना साकार हो रहा है। आज किसानों के उनके खातों में और खास करके मेरे छोटे किसान भाई बहनों को किसान सम्मान निधि मिलकर के उनको एक नई ताकत मिल रही है। मुद्रा योजना और स्वनिधि योजना जैसे प्रयासों से लाखों करोड़ों युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बन रहे हैं। तेलंगाना के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं को भी इन योजनाओं के लाभ का पूरा अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्य से यहां इन योजनाओं के नाम बदलकर इन पर भी सियासत हो रही है। आप सियासत करिए, जनता के दिलों से न नाम हमारा हटा सकते हैं, न हमारा नाम मिटा सकते हैं, क्योंकि हम गरीबों के लिए जीने वाले लोग हैं। जी जान से गरीबों का कल्याण के लिए समर्पित लोगों के हमारी परंपरा है। साथियों, जब योजनाएं प्रचार और परिवार के भ्रष्टाचार का शिकार होने लगे तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे गरीब भाई बहनों का होता है, हमारे दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित का होता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का दायित्व है इस सच्चाई को तेलंगाना के हर एक नागरिक तक लेकर जाएं। भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि तेलंगाना का सामर्थ्य क्या है, यहां कितनी संभावनाएं हैं। हम चाहते हैं कि तेलंगाना तेजी से विकास की रफ्तार पकड़े। साथियों, 21वीं सदी का नया भारत, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपनों को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारे स्टार्टअप्स आज पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत का 100वां यूनिकॉर्न हमारे सामने आया है। आज हम एक बार फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारी इस ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की है। टेक्नोलॉजी का नेतृत्व दे रहे हैं हमारे युवा नौजवान साथी। और बात जब टेक्नोलॉजी की हो और तेलंगाना और तेलंगाना के युवाओं की क्षमताओं के बिना ये बात कभी पूरी नहीं हो सकती। इस क्षमता के पूरे इस्तेमाल के लिए तेलंगाना को एक प्रोग्रेसिव और ईमानदार सरकार की जरूरत है। ये सरकार केवल भाजपा ही दे सकती है। साथियों, आधुनिक ज्ञान विज्ञान के इस युग में मैं तेलंगाना के लोगों को एक और बात के लिए भी सतर्क करना चाहता हूं। आज के इस युग में अभी भी 21वीं सदी में भी जो लोग अंधविश्वास के गुलाम बने हुए हैं वो अपने अंधविश्वास में किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। ये अंधविश्वासी लोग
तेलंगाना के सामर्थ्य के साथ कभी न्याय नहीं कर सकते। साथियों, मुझे याद है जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो वहां भी कुछ ऐसे कुछ शहरों के नाम पहचान बना दी गई थी कि उस शहर में कोई मुख्यमंत्री जा नहीं सकता है, अगर वहां जाएगा तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। भाइयों बहनों, मैं डंके की चोट पर वहीं पर जाता था, बार बार जाता था। मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, मैं टेक्नोलॉजी में विश्वास करता हूं। भाइयों बहनों, मैं तो आज तेलंगाना की इस धरती से उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देता हूं। उनके वो तो संत परंपरा से हैं, सन्यासी परंपरा से हैं, उनके कपड़े और वेशभूषा देख करके कोई भी बात मान लेगा। जब उनके सामने आया कि फलानी जगह पे नहीं जाना चाहिए, डिकनी जगह पे नहीं जाना चाहिए, योगी जी ने कहा मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं, और वो चले गए और दोबारा मुख्यमंत्री भी बन गए। अंधविश्वास को इस प्रकार से तवज्जो देने वाले लोग तेलंगाना को, उसके भविष्य को कभी संवार नहीं सकते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अंधविश्वासी लोगों से हमारे तेलंगाना को हमें बचाना है। मैं आप सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें पूरी मेहनत करनी है, हमें तेलंगाना की जनता की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा का हर एक कार्यकर्ता इसी उत्साह और समर्पण के साथ आगे भी काम करता रहेगा। तेलंगाना तेजी से विकास के रास्ते पर चलेगा, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त होगा, परिवारवादी पार्टी के चंगुल से मुक्त होगा। और भाइयों बहनों, मैं 2013 वो समय भूल नहीं सकता। मैं तो गुजरात का कार्यकर्ता था, पूरा देश न मुझे जानता था, लेकिन हैदराबाद ने एक ऐसा इतिहास रचा था जिसने पूरे हिंदुस्तान की सोच में परिवर्तन लाया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में वो पहली घटना थी और हैदराबाद तेलंगाना के लोगों ने करके दिखाया था। जब मैं हैदराबाद आया तो मेरा भाषण सुनने के लिए टिकट रखी गई थी, पैसे देकर के आइए सुनने के लिए, और मैं देख रहा था तेलंगाना के लोगों ने टिकट खर्च करके इतनी प्रेम वर्षा की थी, और उसे वही एक टर्निंग पॉइंट था कि आज मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला है। यही हैदराबाद, यही तेलंगाना, हम नया इतिहास बना करके तेलंगाना में झंडा गाड़ने वाला। साथियों, मैं आपके परिश्रम की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, मैं आपके जज्बे की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ना आप झुकने वाले हैं ना आप थकने वाले हैं, आप जूझने वाले भी हैं, जीतने वाले भी हैं।
मेरे साथ बोलिए भारत माता की। आज टीआरएस के एमएलए से 103, 104 और हमारे एक फ्रेंडली पार्टी है उनके एमएलए 7 और माननीय केंद्रीय मंत्रीगण जो हैदराबाद में बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में जैसा सरकार गिरा है तेलंगाना में देखने को मिलेगा तेलंगाना सरकार भी गिराएंगे। ठीक बात है गिराइए। हम भी इंतजार कर रहे हैं उस बात का ताकि हम फ्री हो जाए आपको दिल्ली से उतार देंगे। हमेशा हमेशा क्रांति का रास्ता क्राइसिस से ही बनता है। तेलंगाना एक ऐसा समाज है यशवंत जी 60 साल लड़के अपने अस्तित्व को अपने गरिमा को बनाए रखने के लिए तेलंगाना का जनता ने 60 साल लड़ी है आखिरकार अपने बलबूते अपने राज हासिल करके आज आगे बढ़ रहा है। आप सब लोगों के आशीर्वाद से एक जंग और लड़नी पड़े तेलंगाना कभी पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ भारत का अपमान इस कदर हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिससे हमें बहुत बड़ी चिंता है। करोड़ों लोग हमारे लोग बाहर अपना जिंदगी जीते हैं छोटा मोटा बड़ा कुछ ना कुछ नौकरी करोड़ों कई करोड़ है। जिस प्रकार का द्वेष विद्वेष डिवीजन हेट्रेड युवाओं का सोच विचार को आप पोल्यूट कर रहे हैं यह देश के लिए अच्छा है मोदी जी मैं कह रहा हूं। हमारा इतिहास है हमारे परंपरा है हमारा देश का गरिमा है सहनशील देश है हमारे सहिष्णुता है हमारा संस्कार रही है जीवो और जीने दो। आप आधा पेट खाओ लेकिन अगला को खिलाओ। शास्त्री जैसा महान नेता उपवास रखने के लिए कहा सब देश के लिए देश के गरीबों के लिए जो अमीर लोग हैं हफ्ते में एक बार का खाना बंद करके गरीबों को दो ऐसे महान नेता थे। आज किस प्रकार के नेता हम देख रहे हैं इधर खुदवाई करो उधर खुदवाई करो यह है देश भारत। किस भारत का सपना आपने बताया चुनाव के दरमियान और किस प्रकार का नजारा आप आज दिखा रहे हैं आपका प्रदर्शन किस प्रकार का विष द्वेष जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम गिर रहे हैं भारत देश का अपमान हो रहा है जो आगे के लिए अच्छा नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर द कंट्री बिल्कुल डेमोक्रेसी इज किल्ड फेडरलिज्म इज किल्ड। कानून बदल के रास्ते बदल के राज्यों के पैसे छीन लो टैक्स को सेस में बदलो। यशवंत जी करीब 30 लाख करोड़ जिनमें से राज्यों को हिस्सा देना था टैक्स इन्होंने टैक्स को नाम दिया सेस। आप जानते हैं यू नो इट वेरी वेल बिकॉज यू आर द ग्रेट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया यू नो द इनसाइट्स। करीब 30 लाख करोड़ अकेले ही ले लिए। हैरत तो इस बात की है जिनको पूरे देश ने मान्यता दी है और विदेशों में भी जब हम जाते हैं किसी विदेश में कहीं गए किसी जगह भाई आप कहां से हो आई एम फ्रॉम इंडिया अच्छा यू आर फ्रॉम गांधीज प्लेस मिस्टर गांधीज प्लेस द ग्रेट पीस मैसेंजर मिस्टर गांधी द मैसेंजर ऑफ नॉन वायलेंस द फादर ऑफ द नेशन। अरे आपका इतना मतलब इंपेशेंस फादर ऑफ द नेशन को भी आप लोग अपमानित करते हो फादर ऑफ द नेशन। स्वच्छ भारत मिशन में गांधी जी का ऐनक लगाते
गांधी जी के समाधि पे आप नाटक करते प्रदर्शन, और आपके आपके लोग गांधी जी का कितना अपमान करते हैं हर दिन, इस चीज के बारे में क्या मोदी जी आपको मालूमात नहीं है? क्या आप इतने दुर्बल प्रधानमंत्री है, कमजोर प्रधानमंत्री है, इनको कंट्रोल नहीं कर पाते? गांधी जी को हमारे देश में हमारे देशवासी अपमानित करे, ये अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सर झुकाने की बात है, भारत के गरिमा को कम करने की बात है, ये भारत के इज्जत को बढ़ावा नहीं देगा। क्या कहेंगे दुनिया हमको, बाहर देशों में क्या कहेंगे लोग हमको, हमारे जिनको हमने जाति पिता जो फादर ऑफ द नेशन कहा, हम खुद उनके अपमान करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गरिमा क्या होगा? इतना भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है मोदी जी, आप अंदर से उचका रहे हो, बाहर नाटक कर रहे हो, देश जान गया आप क्या है। अनवांटेड और आपके नीति देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री के समय जब सारा दुनिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया है, चुनाव के प्रक्रिया को लेकर चला रहे, हमारे जैसे कई देश हैं जहां चुनाव के साथ चुनाव के जरिए सरकारों को चुने जाते हैं, तो किसी भी प्रधानमंत्री कभी भी यह गलती नहीं करे कि दूसरे देशों के चुनाव के संदर्भ में हम दखलअंदाजी ना दे। पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, जब दुनिया के साथ जीना है हर देश के साथ हमारे संबंध अच्छे रखने पड़ते हैं। इट्स अ डायर नेसेसिटी ऑफ द कंट्री टू कीप गुड रिलेशंस विद ऑल द नेशंस। मोदी जी की महानता यह है, उनका बुद्धि देखिए, कुशलता, ये गए ह्यूस्टन में अमेरिका में, अमेरिका अध्यक्ष का लड़ाई लड़ने गए और कह दिया वहां पे, अब की बार ट्रंप सरकार, अब ट्रंप गया गंगा में तो भारत कहां जाए? ये नीति है, ये जो काम आपने किया जान के किया या अनजाने में किया मोदी जी, कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसे करेगा कभी भी? आप क्या समझे अमेरिका अध्यक्ष चुनाव को, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन समझा? कोई जिम्मेदारी थी जब आप ये बात कह रहे थे? इतना बड़ा देश का क्या कर रहे थे आप, मजाक उड़ा रहे थे आप?